जय हिंद गाइस, मैं प्रिया। अभी मैं दरभंगा में हूँ, जैसे कि आप लोग को पता चल रहा होगा मेरे वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी बुक्स के बारे में, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में। देखो, जनरल कंपटीशन का मतलब होता है जनरल, आप लोग को भी पता है, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। लेकिन जनरल कंपटीशन में भी एक टारगेट होता है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे दरोगा बनना है। जैसे किसी का SSC का सपना होता है, किसी का BPSC का, किसी का दरोगा का। तो देखो, जनरल कंपटीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ऑल ओवर हो जाए सपना, नहीं, उसमें एक टारगेट होना चाहिए। जैसे मेरा SI है, मेरा SI पिछली बार रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैं भी बुक्स मैंने खरीद लिया है। तो उस टाइम जिस टाइम मैं चंपारण में थी 4 रोज़ पहले, तो उस टाइम मेरे पास बुक नहीं था, सिर्फ लूसेंट था। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता था, मैम कौन सा बुक्स पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े। अभी भी मेरे पास 3 ही बुक है। अभी जो मैं आप लोग को बुक दिखाऊंगी, ये 3 ही बुक है, ज़्यादा बुक तो है नहीं। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना कैसे है और कौन सा बुक को फॉलो करना है, देखो एक टारगेट रखो, इसको एनी हो अचीव करो। देखो, लेट ज़रूर लगती है लेकिन अचीव ज़रूर होती है। टारगेट रखो, अगर देखो इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा करेंगे। ज़्यादा देर तक ना घिसते नहीं रहना है, फिर मज़ा नहीं आएगा यार। एक साल देखो, टाइम दो एक साल की, एक साल में मुझे अचीव हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर नेक्स्ट चेंज करो, ठीक है। देखो मैं बुक्स बताती हूँ, ये लूसेंट तो मेरे पास पहले से थी। देखो ये लूसेंट का बुक्स है, तो ये लूसेंट बुक्स मेरे पास पहले से थी, ठीक है। और ये NCERT है, सार संकलन। ये जो है UPSC, देखो UPSC, BPSC, JPSC यानी झारखंड MP सबका है ये बुक है। और ये मैंने 3 ही बुक है, 2 बुक, एक बुक तो पहले से थी, 2 बुक बाद में मैंने खरीदा। और ये रेलवे सामान्य अध्ययन है, पता है ये बुक्स ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में। अब बताओ कैसे, देखो बुक सारे एक ही होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, जैसे रेलवे सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान होता है, तो सामान्य विज्ञान देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ना हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होता है। एकदम आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ लें तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा, ठीक है। और ना जैसे कि ये सब बुक्स जो होती है ना, पढ़ने में मज़ा आता है, नया नया बुक पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे देखो लूसेंट में सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग को पता होगा सारा चीज़ दिया हुआ है। लेकिन लूसेंट से होता नहीं है कवर, लूसेंट सब्जेक्टिव है। ये जो है रेलवे सामान्य अध्ययन जो है ये ऑब्जेक्टिव है, और ये जो है सार संकलन जो है ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। इसमें एकदम डीपली दिया हुआ रहता है, बुक्स एकदम पढ़ना चाहिए। जैसे देखो 3 बहन हैं, हम बीच वाली हैं, मेरे से एक बड़ी बहन के मतलब इतना वो बुक्स के एकदम पता एक रूम भरा हुआ है। मैं ना सोचा कि ट्रेनिंग में टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ने का, तो वहाँ बुक मैं ले गई नहीं थी, मोबाइल से मैं पढ़ती थी ज़्यादा, मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मोबाइल से पढ़ने में। और मेरी छोटी वाली वो बुक्स का इतना शौकीन है कि वो बुक्स बहुत खरीदेगी और पढ़ती भी है। खरीदने का मतलब ये नहीं खरीद के रैक पे सजा देती, भाई देखो बुक्स खरीदो तो पढ़ो, ये नहीं कि। और मेरा मानना ये है कि कम ही बुक्स लो लेकिन उसको बहुत बार पढ़ो, तो आपका क्या होगा ना, एकदम से हेजिटेशन क्लियर होगा, एकदम टॉपिक क्लियर रखो जो पढ़ो ना एकदम। और एग्ज़ाम चाहते हो निकले ना, तो क्वेश्चंस एकदम याद होना चाहिए यार, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप चाह लो ना तो सब संभव है, सब। अब सब क्या, एक तो मैंने फैक्ट सुनते आ रही हूँ बहुत दिन पहले से कि सपना बड़ा का देखो तो गिरते गिरते नीचे पे लटक जाओगे। मेरा मानना ये नहीं है, जब हम सपना बड़ा का देखेंगे तो हम वो क्यों नहीं क्वालिफाई करें। अगर हम जैसे दरोगा का टारगेट रख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम BPSC का रखें, भाई मेरा अलग फैक्ट, ज़रूरी नहीं है कि हम BPSC का टारगेट रखें तो BPSC से लटक लटक के दरोगा पे आ जाए। ये सब बिल्कुल फेक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब पहले की बातों में। मैं दरोगा का ही टारगेट रखूँगी और दरोगा का ही एग्ज़ाम दे के निकालूँगी। पता है मेरा ये पहला एग्ज़ाम, एक फॉरेस्ट एग्ज़ाम दिया था मैंने फॉरेस्ट का 12th लेवल पे, उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हो गया। मुझे पुलिस ही बनना था, मैंने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया। जब बोलते भी थे फॉर्म भर दो, दी लोग बोलती थी, लेकिन मैंने नहीं भरती थी। मैंने माइंड में ठान लिया था मुझे पुलिस ही बनना है। ये मत सोचो कि BPSC का टारगेट रखेंगे ना तो गिरते गिरते ना SI पे अटक जाएंगे या बिहार पुलिस पे, नहीं। एक मेरे सर थे मेरे थाने में, वो UPSC मतलब क्लियर कर लिए थे, इंटरव्यू बहुत अच्छे हैं, एकदम से बहुत अच्छे हैं, तो UPSC से छटे 2009 बैच में दरोगा ज्वाइन किए, तो वो BPSC कहाँ बन गए। ऐसा टारगेट मत रखो कि मैं बड़ा का सपना देखूंगी तो गिरते गिरते मैं छोटा पे आ जाऊंगा, अटक जाऊंगा, कहीं भी मुझे सीढ़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं रखो। देखो पहले का कथन ना बदला करो। और देखो बुक्स पढ़ना कैसे, जैसे हिस्ट्री से आप लोग को हिस्ट्री से शुरू होता है, कोई भी बुक हिस्ट्री से शुरू होती है, तो आपको ना जिस सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट है
जैसे सपोज करो किसी को साइंस में, किसी को बायोलॉजी में, किसी को हिस्ट्री में, किसी को पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि बुक्स में अगर हिस्ट्री दिया है तो हिस्ट्री ही पढ़ो, नहीं, आपको जिस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में इच्छा है, वो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ो, तो फिर क्या होगा ना, पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा और आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करना। अभी तो मैं दरभंगा में हूँ, एक से डेढ़ मंथ यहाँ रहूँगी, ठीक है, और मेरा वीडियो कैसा लगता है शॉर्ट वाला कमेंट्स करना। आप लोग की वजह से आजकल थोड़ा अच्छा फील होता है, खुशी होता है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई, पैसा नहीं मिलती है, आप लोग को लगता है ना पैसे के लिए यूट्यूब नहीं, मैं जॉब करने से पहले भी एक चैनल खोल रखा था, मैं काफ़ी टाइम उस पर देती थी, लेकिन मेरा फिजिकल आ गया था बिहार पुलिस का तो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा फिजिकल वीक था तो मुझे छोड़ना पड़ा। देखो, एक इंसान में ना कमी होती है, 100% वो परिपूर्ण नहीं होती। जैसे मेरे में देखो कला क्या है, मैं सिलाई कर लेती हूँ, आईब्रो बना लेती हूँ, सिलाई में जो चीज़ बोल दो लेडीज़ का वो सारा मैं कर लेती हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, अच्छी खासी हूँ, सारा टैलेंट है ही, मल्टी टैलेंट जिसे बोलो आप, बस ऐसा ही बन जाओ तो फिर हो गया। आज के लिए